ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है और इसे समझने के लिए हम इंसानों ने अंतरिक्ष में कई यात्राएं तय की हैं। क्या दूसरे किसी ग्रह पर जीवन है? क्या किसी ग्रह पर पानी होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें दुनिया भर की स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस आज भी तलाश रही हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी है जो सूरज तक पहुंचने की तैयारी कर रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। चलिए जानते हैं इसरो की शुरुआत कैसे हुई। हमने स्पेस मिशन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह किया कि हम कोशिश करेंगे कैसे हम भारत के किसानों का फायदा करें, कैसे हम मौसम का अनुमान लगाएं ताकि भारत में जो बाढ़ आती है, लहरें तेज आती हैं, लोगों को डिस्ट्रॉय कर देती थी घरों को, वो कैसे खत्म करें। हमने इन सब चीज़ों के लिए इसरो बनाया। इसलिए इसरो हमेशा ह्यूमिलिटी पे बना, इसरो हमेशा संवेदनाओं पर बना, कंपैशनेट ऑर्गेनाइजेशन है। 1963 में भारत ने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा ने उसे लॉन्च करने के लिए तिरुवनंतपुरम के पास मौजूद थुम्बा के मैरी मैग्डलिन चर्च को चुना। डॉक्टर साराभाई ने जहां पर चर्च था वहां पर रॉकेट असेंबली प्लांट लगा। जो फादर परेरा का घर था वो ऑफिस बना और जो मछुआरे का घर था वहीं पे लॉन्च साइट्स बनाई गई। और 1963 में नवंबर में हमने भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट वहां से लॉन्च किया। शाम का वक्त था 6:30 बजे का। जो आकाश था वो क्रिम्सन हो चुका था, वो लाल हो चुका था और उस लाल आकाश में सोडियम जो उसकी इजेक्शन निकलती है वो इजेक्शन की वेपर ट्रेल डॉक्टर कलाम ने कई बार रिकॉल की। इसरो की शुरुआत वहां से हुई। 1979 में जब पहली बार सैटेलाइट लॉन्च की गई तो वो क्रैश होकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरी। लेकिन इस नाकामयाबी ने इसरो के लिए नई बुलंदियों को छूने का रास्ता तैयार कर दिया। 79 में अनसक्सेसफुल लॉन्च मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था क्योंकि उस अनसक्सेसफुल में 50% सक्सेस थी। जो सबसे मुश्किल स्टेज होता था लॉन्च करना, उठाना किसी एक बड़ी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर स्टेज 2 तक ले जाना, वॉज आई थिंक ह्यूज माइलस्टोन क्योंकि उस समय बहुत मिनिमम बजट में हमने ये काम किया था। 80 में उस अनसक्सेसफुल मिशन को हम वापस सक्सेसफुल में तब्दील कर पाए, बाकी 2 स्टेजेस भी क्लियर कर पाए 1980 में, दैट वॉज ए ह्यूज माइलस्टोन। बस फिर क्या था, उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिसने बैलगाड़ी पर रॉकेट ले जाने से शुरुआत की थी वो चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच गया। अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 1, ऐसा पहला स्पेस मिशन जिसने चांद की सतह पर पानी के निशान को ढूंढ निकाला। ये इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 5 नवंबर 2013 भारत ने मास ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया। बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये मिशन अपने पहले ही लॉन्च में कामयाब हुआ, यानी भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। यानी कि एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी, 1/10 द कॉस्ट, पिक्चरों से भी सस्ती, ग्रेविटी मूवी बनी थी उससे सस्ती, मार्शियन मूवी बनी थी उससे भी सस्ती, फिक्शन से कम कॉस्ट में हमने फैक्ट दिखा दिया। 15 फरवरी 2017 इसरो ने रिकॉर्ड तोड़ 103 नैनो सैटेलाइट्स को और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनी 714 किलोग्राम की सैटेलाइट को एक साथ एक ही रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कहते हैं सितारों के आगे जहान और भी है। अंतरिक्ष में इंसान को भेजने से लेकर सूर्य तक सैटेलाइट भेजने तक भारत कई बड़ी तैयारियां कर रहा है। 2022 में हम गगनयान के नाम से हम लॉन्च करने वाले हैं, अनमैन्ड अनक्रूड होगा, उसको हम चेक करेंगे कि क्या सक्सेस रेट है और उसके 1-2 साल के अंदर वी विल सेंड 3 ह्यूमंस होपफुली फॉर 7 डेज इन टू स्पेस, 7 दिन के लिए, 1 सप्ताह बिताएंगे और हम जाएंगे सबसे मुश्किल जगह पे, जो सबसे गर्म है, सबसे मुश्किल है वहाँ जाना और वो है सूरज। ऐसा चमत्कार और कहीं नहीं होता। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया।